मंद होने के पीछे जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, है ना? कारण, एक मुनि जिन्होंने अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर प्रहार किया था। शनि पर प्रहार? कौन थे ये मुनि? पिप्लाद मुनि। उनकी माता हमेशा रोती रहा करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछ ही लिया, माता, जब तक दुख मन के भीतर रहेगा ये अश्रु बाहर आते ही रहेंगे। आज तो तुम्हें बताना ही होगा तुम कौन से दुख से पीड़ित हो। ऐसी कौन सी पीड़ा है तुम्हारे मन में जो तुम्हें दिन रात अश्रु बहाने के लिए बाध्य कर रही है? कुछ नहीं पुत्र, तू व्यर्थ में दुखी मत हो। नहीं माता, मैं संकल्प करता हूं जब तक तुम मुझे अपने दुख का कारण नहीं बताओगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, तू ऐसा संकल्प मत करना। वह तो मैंने कर लिया माता, अब तो तुम दुख का कारण बताओगी तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तो सुन पुत्र, तेरे जन्म से पूर्व शनि देव ने तुम्हारे पिता को घोर कष्ट दिए, उन्हें नितांत दरिद्र बना दिया। जब उनका प्रकोप तब भी शांत नहीं हुआ तो उसने उन्हें रोगी बना दिया। ऐसा रोगी जिसका अंत अकाल मृत्यु में हुआ। जब जब मुझे वो सब याद आता है तब तब मेरे भीतर पीड़ा उभरती है पुत्र, पीड़ा उभरती है, पीड़ा उभरती है। चिंता न कर माता, तेरे मन की पीड़ा शांत करने के लिए मैं शनि से प्रतिकार लूंगा। शक्ति का दुरुपयोग करने का दंड उसे अवश्य दूंगा। मैं ब्रह्मा जी से ब्रह्म दंड प्राप्त कर उसे चुनौती दूंगा। ओम ब्रह्माय नमो नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमो नमः। शनिदेव, मेरे पिता की दुर्गति करने वाले अत्याचारी, आज मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मदंड? क्षमा करें प्रभु, मैं तो खड़ा होकर आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता क्योंकि मुनिवर ने अपने ब्रह्म दंड से मेरे दोनों पग निश्चेष कर दिए हैं। मुनि पिप्लाद, शनि देव मेरे भक्त एवं शिष्य हैं। आपके हृदय में अपने पिता के लिए जो पीड़ा है
वह तो स्वाभाविक है, परंतु शनि देव ने भी काल गति कर्म एवं धर्म के अनुसार ही कार्य किया है। क्षमा करें प्रभु, मेरी माता के अश्रु और पितृदेव की पीड़ा ने मुझे विचलित कर दिया था। और शनि देव ने भी परम पिता ब्रह्मा के ब्रह्मदंड का सम्मान करते हुए आपका कुछ अहित नहीं किया, अन्यथा इनकी कुदृष्टि से सुरक्षित रहना सरल नहीं है मुनिवर। अब आप इन्हें क्षमा कर दें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु भगवान संसार इस घटना को सदा स्मरण रखे, इसलिए मैं आपके नाम से पिपलेश्वर महादेव की स्थापना करूंगा। और मेरी इच्छा है कि उनकी भक्ति करने वाले को शनि देव कभी कष्ट न दे। उठो भक्त, आप क्या कहते हैं शनि देव? जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तो फिर शनि देव ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया? बिना कारण उन्होंने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। कभी शनि देव को किसी ने कष्ट दिया? हाँ, हुआ था एक बार ऐसा। उनकी कुदृष्टि से डरकर रावण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और उसने उन्हें उल्टा बांध दिया। रावण को डर था कि शनि देव की कुदृष्टि उसकी सोने की लंका पर ना पड़ जाए। तो फिर कैसे छूटे वहां से? हनुमान जी की कृपा से। धन्यवाद महाबली, रावण ने ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे मूर्छित किया तथा बांधकर यहां ले आया। आप ना आए होते तो मेरा उद्धार कौन करता? आज आपने दूसरी बार मेरी प्राण रक्षा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तो प्रभु राम का सेवक हूं, उन्हीं की सेवा के मार्ग से आज ये कार्य भी पूर्ण हुआ। मैं आपके प्रभु और आपके प्रति नतमस्तक हूं महाबली, और वचन देता हूं कि आज के पश्चात जिस किसी स्थान पर आपकी पूजा अर्चना तथा भजन कीर्तन होगा, मैं वहां कभी प्रवेश नहीं करूंगा, कभी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। प्रणाम। अर्थात हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, कर्म धर्म मर्यादा कर्तव्य और चरित्र के पालक भी हैं। हर स्त्री को अपनी माता की दृष्टि से देखते हैं, उनका उपासक भी शुद्ध दृष्टि के कारण शुद्ध मन से मर्यादा में रहेगा तो स्वाभाविक है वो दुष्कर्मों से दूर ही रहेगा। दुष्कर्मों से दूर रहने के कारण इंसान दुख और दुष्परिणाम दोनों भोग भोगने की संभावनाएं उसमें कम रहती हैं, और शनि की जो कुदृष्टि होती है उसको सहने की शक्ति में उसमें संपन्नता आती है। इसलिए हनुमान जी की शरण में आया हुआ प्राणी हर संकट को भोगने के लिए तत्पर रहता है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन व्यवहार में उतार कर मर्यादा में रहने वाले पर शनिदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसका भाग्य उदय भी करते हैं। देखें हमारे भाग्य का उदय कब होता है और हमारी मुसीबतें कब कम होंगी। अरे लगता है एक मुसीबत तो कम हो गई। तो कार है कम। हमारी गाड़ी कहाँ? ये तो गैरेज की गाड़ी लगती है। पांडे जी गाड़ी का क्या हुआ? हम ही बैग ले आए हैं, चाहो तो कपड़ा बदल ले। ईश्वर की दया से गाड़ी में एक डेढ़ घंटा और लग जाएगी। कितने घंटे खाएगी ये गाड़ी? मेम साहब ऑयल चेंबर के पतरे को वेल्डिंग करवाना है, टाइम तो लगेगा ही ना। चलो अब तुम्हारी नानी का बनाया हुआ खाना व्यर्थ नहीं होगा। सयाने ठीक ही कह गए हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और गाड़ी गाड़ी पर लिखा है हर मकानी का काम, और काम काम पर लिखा है हर मकानी का दाम। चलो घर और करो विश्राम। चलो चलो चलो। पांडे जी प्लीज जल्दी कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया जी, आवा बैठा भैया। चलिए शर्मा जी आप भी ले चलिए सबको घर, नानी इंतजार कर रही होंगी, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए जल्दी। हाँ बराबर। और जब हम पहुंचे सरदार जी के ढाबे पर, जहाँ नेचुरली देसी हिसाब है, वहाँ रोटी पर सरसों का साग रखकर थमा दिया, तो लीना ने सरसों का साग तो खा लिया लेकिन रोटी को प्लेट समझकर फेंक दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार शहर के कुछ लोग गांव में भाषण देने आए, हर एक ही बात करने लगा।
गांव में कल्चर नहीं होता। जब हमारे चौधरी का नंबर आया तो बोले कल्चर कैसे नहीं होता, गांव के चप्पे चप्पे में कल्चर होता है। हमारे गांव में इस किनारे से लेकर उस किनारे तक एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर है। <Too much. laughs> क्या बात है लीना, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। मेरा पर्स नहीं मिल रहा।